नमस्कार, मैं निशा तोमर अपने मिश्रित रसोई चैनल में एक बार फिर स्वागत करते हैं। और आज बनाते हैं कुछ सासू मासी के तरीके से मटर। शाम की छोटी सी भूख शांत करने के लिए बनाते हैं मटर की चाट। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है और बच्चों व बड़ों सबको बहुत पसंद आती है। तो बनाते हैं मटर के दाने। मैंने ये बॉईल भर के दो लिए हैं। आप अपने परिवार के अनुसार ज़्यादा और थोड़े कर सकते हैं। मटर में डालेंगे आधा नींबू का रस, एक हरी मिर्च, आधा चम्मच जीरा है, आधे चम्मच हल्दी है, धनिया पाउडर, आधे चम्मच हींग और स्वाद अनुसार नमक है। तो बनाते हैं। कढ़ाई में एक डोंगा चमचा तेल डाल करके अच्छे से गर्म कर लिया है। सबसे पहले डालेंगे जीरा। अच्छे से भुन गया है। अब डालते हैं इसमें हींग, हरी मिर्च और हल्दी। अब डालते हैं इसमें धुली हुई मटर और सभी मसाले डाल करके मिला लेते हैं। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। धीमी गैस करके इसको पकाते हैं ढक करके। मटर को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब डालते हैं इसमें थोड़ा सा डालेंगे चाट मसाला जो घर पे ही पीसा है मैंने, और साथ में डालेंगे आधा नींबू का रस और एक दो मिनट फिर पकाते हैं इसे। मटर बहुत अच्छे से गल गई है, खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। धीमी आंच पे मटर को 10 से 15 मिनट लगे होंगे गलने में। आप सर्व करते हैं। शाम की छोटी सी भूख शांत करिए चटपटी चाट के साथ और चाय के चटकारे के साथ। आपको यह रेसिपी कैसी लगी मुझे अवश्य बताएं। अपने कमेंट भी मुझे अवश्य करें।